तुमको पता है वो हमारे बाप को मारा है, उससे हाथ मिलाने को कहता है। देखिए हमको गलत मत समझिए, आप तो जानते ही हैं एक कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटे का उपयोग करना कोनो गलत बात नहीं होता। बाबा से लड़ने के लिए अभी हम लोगों को सपोर्ट चाहिए। क्या लगता है गवर्नर साहब का तबियत सच में कुछ नहीं हुआ उनका तबियत को? ये सब मिली भगत है सीएम और बब्बन का, नौटंकी है साला और कुछ नहीं। तूने समझ गया कि सरकार खतरा में? गवर्नर इधर जितना देर से टाइम देगा उतना ही समय मिलेगा उस सबको सरकार बचाने वास्ते जोड़ तोड़ करने का। हमको भी यही लगता है, अब जरूर वो सब कुछ नया प्लानिंग बिठाने में लगा होगा सरकार बचाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि अब हम लोग क्या करें? खाली विधायक सब रहता तो बात दूसरा था, बाकी सबके परिवार को और 3 दिन तक पहरे में रखना मुश्किल बात है। मानते हैं काका, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं? कहीं पलट गया साला सब, तब तो सारा खेल चौपट। नहीं काका, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हम। पहरा इतना तेज बैठा दीजिए कि परिंदा भी पर नहीं मार सके वहां। जब विधायक सब अपना निगरानी में रहेगा तो क्या कर लेगा सीएम और बब्बन मिलके? बचा लेगा सरकार को गिरने से? घंटा डुलाने दीजिए दोनों को 3-4 दिन तक। वो सब तो ठीक है, लेकिन गवर्नर साहब को कैसे समझाया जाए? काका पता लगाइए कि वो है कहाँ। वो सरकारी सेवक हैं तो उनका इलाज भी सरकारी तरीके से होगा ना। पता लगाइए कि उनको किस तरह का इलाज पसंद है, दवाई का इंतजाम हम करा देंगे। सुनने में तो अच्छा लग रहा लेकिन मन निश्चित नहीं हो पा रहा है हमरा। काका आप चिंता फिक्र छोड़िए, एक बात का गांठ बांध लीजिए, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए इस सरकार को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। विजयकांत का वचन है ही। सर क्या सेवा करूं आपको? कुछ अंगूठी पहना बताइए तो सही। आपका गल्ला देखना है सेठ जी। क्या मजाक कर रहे हो? काहे मजाक करेंगे तोरा से, तुमरा कोनो रिश्तेदार लगता है। चल गल्ला निकाल। विजयकांत का नाम सुने हैं? हर महीने प्रोटेक्शन टैक्स चाहिए हमको। पर ये कैसे हो सकता है? हर महीना प्रोटेक्शन टैक्स में बप्पन लाल का बार से बप्पन लाल खत्म। आज से सारा पैसा विजय भैया के नाम से जाएगा, समझा? खोल सारे। अरे जल्दी खोल। ये पिछले महीने का, 21 महीने का और आगे से पैसा समय पर चाहिए हमको, समझा? और हाँ, आगे से कभी बब्बन या पुत्तन का नाम लिया ना तो तोरे पर तो हम हगने और मूतने तक का भी टैक्स लगा देंगे। बब्बन बाबू कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अरे क्या करिएगा उनसे मिलकर, समस्या बताइए, हम ही सुलझा देंगे। सेठ बंसीधर पर क्या गुजरी वो तो आप सुने हैं ना? उत्तन बाबू आपने पूरी बात नहीं सुनी है। विजयकांत के लौंडा ने यहाँ तक धमकी दी है कि अगर हमने आपको टैक्स दिया तो हमारे हगने मुतने पर टैक्स लगा देगा। वो कैसे हुआ, का हुआ, आप सब सुन ही लिए ना? अब आप ही बताइए कि अब हम लोग का करें। मुरारी भाई एकदम सच कह रहे हैं, चवन्नी कमाए अठन्नी गवाए, एक कैसा इंसान है? यहाँ भी दें और विजयकांत का भी पेट भरे, कैसे चलेगा? देखिए पुतुल भाई, हम लोगों का हालत आपसे कोनो छुपा नहीं। अगर विजयकांत के आदमी सबका यह हाल रहा तो हम लोग तो एकदम फुटपाथ पर आ जाएंगे ना। उत्तन बाबू हर महीने के 1-2 तारीख को टैक्स ले लेते हैं, पैसा आप लेंगे तो प्रोटेक्शन के देगा? हम देंगे प्रोटेक्शन, आप लोग निश्चिंत रहिए। उत्तन भाई
हम बरसों से बिजनेस करते आए हैं, आज तक ना आपसे हमको कोनो तकलीफ हुआ ना हमसे आपको कोनो तकलीफ हुआ, लेकिन अब जो हमारे साथ हुआ है आपको भी टैक्स दे और विजयकांत को भी टैक्स दे। अरे एक जंगल में तो पुत्तन भाई इक्के को शेर रहता है ना। सियार के खाल ओढ़ लेने से शेर नहीं बन जाता है कोई। महाराजगंज में एक ही शेर था, है और रहेगा, बब्बन लाल। पुतन भाई बुरा न माने तो एक बात कहो, ये विजयकंद का पैर कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। तो तोड़ देंगे पैर, आप लोग निश्चिंत रहिए, बिजनेस करिए, चलिए उपाय हो रहा है, एक आध दिन में हो जाएगा। पुतन बाबू एक चीज और कहना था। हाँ? देखिए इस बार विजयकंद के लौंडा सब हमारे गल्ले तक पहुंच गया, अगले बार ऐसा ना हो कि वो हमारा पूरा गल्ला ही ले उड़े। बंसी बाबू उसके पहले विजयकंदवा का गला साफ हो जाएगा, समझ गए? फील सेफ, बिजनेस करिए आप लोग। ठीक है आप कहते हैं तो मान लेते हैं। नमस्कार। चलिए विजयकंदवा कुछ ना कुछ करना होगा। समझ में नहीं आता कि कैसे डीआईजी हैं आप, अभी तक कुछ भी पता नहीं कर पाए। अरे मैं आपसे पूछता हूं कि उन एमएलएज को आसमान खा गया या जमीन निकल गई? सर पूरा महकमा लगा रखा है उन्हें तलाशने में और रिजल्ट जीरो, निकम्मी हो गई आपकी पूरी पुलिस फोर्स, सबके सब साले आलसी और भ्रष्ट हो गए। उनको बता दीजिए अगर ये काम जल्दी से जल्दी नहीं हुआ तो सबकी वर्दी उतर जाएगी बदन से। एक्सक्यूज मी सर, मैंने पहले ही आपको आगाह किया था इस मामले में, अगर उसी वक्त आपने एक्शन ले ली होती तो शायद ये मुसीबत खड़ी ना होती। ठीक है लेकिन इन फालतू बातों पर वक्त बर्बाद करने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है। आप ऐसा कीजिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाइए, सारे मीडिया को बुलवाइए और उन्हें बताइए कि हमारे 15 MLAs किडनैप हो गए। पूरे प्रदेश को ये पता चलना चाहिए कि MLAs को किडनैप किया गया है। दिमाग घूम गया है क्या आपका? ये सबसे हमको क्या फायदा होगा? फायदा होगा बब्बन बाबू, बहुत फायदा होगा। सो कैसे? एक तीर से दो शिकार होंगे। कैसे? पहला तो ये कि जनता को ये पता चलेगा कि हम अपने MLAs के लिए कितने चिंतित हैं, और दूसरा ये कि जैसे विजयकांत को ये पता चलेगा वो बौखला उठेगा और बौखला उठ में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, और ऐसे में हमें कोई ना कोई सुराग उसका जरूर मिल जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्रिमिनल्स का ये बेसिक नेचर है कि जैसे ही अपनी बाजी उल्टी पड़ती देखते हैं वो बौखलाते ही है। नेचुरली विजयकांत भी ऐसा ही कुछ करेगा, जैसे कि तमाम MLAs को शिफ्ट करने की कोशिश। करेक्ट, जैसे ही उसने गलती की वैसे ही आप एक्शन कीजिए अपने पूरे फोर्स के साथ, और यहां मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, किसी भी तरह से मुझे वो 15 के 15 MLAs चाहिए जल्दी से जल्दी। और सुनिए इस बार कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, अगर और फोर्स चाहिए आपको तो मंगवा देंगे दूसरे शहरों से, समझ रहे हैं ना आप? अब जाइए। सब बन बाबू आपके लोग कसो रहे हैं, उनको तो पता होना चाहिए उन ठिकानों का जहां विजयकांत इन MLAs को लेकर गया होगा। उन ससुरन को तो कब से इस मोर्चा पे लगा दिए हैं हम। लगाने से काम नहीं चलेगा बब्बन बाबू, एक्शन लेना पड़ेगा और वो भी जल्दी से जल्दी। अगर इस बार हमारी सरकार पलट गई तो समझो कि हम गए काम से हमेशा हमेशा के लिए। और सुनिए अगर हम CM नहीं रहे तो याद रखिएगा आप भी बाहुबली नहीं रहेंगे, सारी शासकीय ताकत खत्म हो जाएगी आपकी। काहे अशुभ बोल रहे हैं CM साहब, हम पूरा फौज लगा रखे हैं विधायक सबको ढूंढने के लिए। एक बात बहुत बढ़िया से समझ लीजिए बब्बन बाबू, अगर विजयकांत का मनचाहा सरकार बन गया तो चुन चुन के बदला लेगा वो आपसे, वो आपको और आपके कारोबार को बर्बाद करके रख देगा। 3 दिन
बस 3 दिन है हमारे पास। भगवान ना करे अगर इस बार आप असफल हो गए तो खेला खत्म ही समझिए। इतना बेवकूफ नहीं है हम, सब बुझते हैं, आपसे बढ़िया बुझते हैं। हमारा आदमी लोग सब के सब एमएलए लोग को ढूंढ लेगा। 3 दिन कम नहीं होता। इस बार आश्वासन नहीं बब्बन बाबू, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। कुछ पता चली हो विधायक सबके? पूरा शहर तो छान मार ली, बाकी कुछ पता नहीं चल। काहे कोनो ओझा गुनिया गायब कर देलस का जो खबर ना लागी तू लोग के? दिन रात तो लगल बानी, अब कुछ पता नहीं चला तो का करी? अरे कुछ मत करी, कुछ मत करी तू लोग, खाली हाथ पे हाथ धर के सोफा तोड़त रही। अरे हम पूछता नहीं कौन बात के वास्ते बात तू लोग यहाँ? हर जीजा जी ठीक है कहता नहीं, मलाई पिस्ता चाप चाप के आराम तलब हो गई बा तू लोग। अरे जंग लग गई बा तू लोग के देह में। ऐसा मत बोला दीदी, जीजा जी खातिर का ना कर लिया। अच्छा तो कोनो एहसान कैले है? इतना सुख सुविधा कौन घर में मिली तू लोग के? और एक बात कान खोल के जान ल, अगर इस सरकार गिर गई ना तो कहीं के ना रह बा तू लोग, न घर के न घाट के। अरे भगवान चाहे तो ऐसा कुछ ना हो। अच्छा तोहरा कहला से कुछ ना हो, आई सरकार गिर गई तो सब बंटा धार, और ये सब होई तोहनी के निकम में पन के चलते। इसन का कदर दीदी, हम तो दिन रात लगा दिली तोहरे सबके सेवा में। बहुत एहसान कैला, अब जो यहाँ से तोहार जैसन बोका बकलोर से कुछ होने के होके वाला। हाँ तो हम आई बोका बकलोर और पुतलवा ऊका है ऊका ती कौन सा तीर मार लेला, माथा खराब की हुए है। खबरदार जे हमरा से ऊंची आवाज में बात कैला तो। अरे पुतलवा छोटा बा तोरा से, ओकरा से बराबरी कराता रे। हाँ वो तो गोदी के लल बबुआ बालू। ज्यादा चिचियाओ मत, और जो यहाँ से तोरा जैसन भाई से तो भाई ना होला। अच्छा जाता नहीं हम देख ले। हाँ जो जो कौन सा जीजा जी का नाम रोशन कर रहा था पुतर। हाँ जा 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 जाता नहीं, जाने भी जरूरत नहीं। जो जो हल्ला नहीं। हाँ अपना बांधे ढोलक के और दूसरा के उपदेश, छोटा भाई पे दोष देता। जा जा। पुलिस तफ्तीश कर रही है लेकिन अभी तक उन अपहृत विधायकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पूरा पुलिस प्रशासन इस कांड से चिंतित है। अब विधायक लोग भी सुरक्षित नहीं है, अब उन लोग का भी किडनैपिंग हो रहा है। बढ़िया है, अब उनको भी फिरौती देनी होगी करोड़ों। ठीक बोले, एमएलए का बात है करोड़ों का भाव तो चढ़ेगा ही। हमका तो बहुत खुशी है भैया, अब पता चलेगा ससुरन को कि आम जनता पर का गुजरता है जब उनका किसी भाई बेटा का अपहरण होता है। तुलसी बाबा ठीक है कह गए हैं, जाके पाँव न फटे बेवाई, सुख का जाने पीर पर आई। अरे वो सब तो ठीक है, बाकी सोचने वाला बात ये है कि इतना बड़ा कांड कौन कर सकता है? किसी छोटा मोटा गैंग के बस का बात नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई ऐसा आदमी है जिसका सरकारों को डर नहीं। ऐसा तो कहीं अमेरिका का तो हाथ नहीं है इस कांड में? देखिए देखिए सुबुद्धू, अब इसकी जोड़ू भी अगर गाभिन होगी तो अमेरिका को ही दोष देगा। ए, एक नंबर का गधा है तुम सब, बात को समझे नहीं या लगे अलबल बकने। चलो संपादक जी आ गए, उनसे पूछते हैं क्या हुआ है, असली कहानी उन्हीं को मालूम होगा। आओ। प्रणाम संपादक जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। संपादक जी, अरे ये क्या छपा है आज के अखबार में? आखिर विधायक लोग का किडनैपिंग कौन करा सकता है? कौन कराया ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है कि इस किडनैपिंग कांड का सीधा संबंध सरकार गिराने और बनाने से है। एमएलए सबको तो हथियार बनाया गया है ई पॉलिटिकल गेम में। संपादक जी, ये पॉलिटिकल गेम आखिर कौन खेल सकता है? दो ही तरह का आदमी, एक जो पुराना घाघ राजनीति खिलाड़ी, और दूसरा वो जो जोश में कुछ भी कर सकता हो सीएम से दुश्मनी निकालने के वास्ते। सीएम से दुश्मनी? ये मजाक बात नहीं है। ठीक बोले महेश, इसी से पता चलता है कि वो जो कोई भी है बहुत जोशीला और ताकतवर।
जो इतने विधायकों का किडनैपिंग करा सकता है वो वक्त पड़ने पर सरकार तक को बदल सकता है। लेकिन हमारे तुम्हारे हाथ में है का सिवा इसके कि तमाशा देखो और तैयारी रखो भविष्य का सामना करने के लिए। ठीक ठीक कह रहे हैं सब बात ठीक कह रहे हैं। चलो चलो चाय पिलाओ। चलो भाई अबदुलीन क्या बात है? मिजाज कुछ ठीक नहीं है का? चेहरा उतरल बा? क्या बात बा? बोला माँ श्री को लेके मैं टेंशन में हूँ। तबीयत तो उनकी ठीक हो गई है लेकिन काहे कुछ गलत का? इसी बात का तो रोना है माँ। वो कुछ बोलते कुछ बातें करते मेरे साथ लेकिन वो तो मोम की बुद्ध की तरह हो गए और कुछ पूछने भी जाओ तो काटने को दौड़ते। दुल्हन तू महरारू हो श्रीकांत की, तोरा से बढ़िया होकर मन के बात के जाने। अब वो बच्चा नहीं खे कि हम सब बात उकरा से करी। लेकिन माँ उनकी खुशी किस बात में है यही तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। माँ मुझे लगता है अब आपको ही कुछ करना होगा। ठीक तू कहता रू तो हम बात करब श्रीकांत से, ओकर मन के बंद परत के खोले के कोशिश करब हम। माँ मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो खोलेंगे ना तो बस हैप्पी के सामने। आदेश दे। जो भी कुछ करना है जल्दी कीजिए मिस्टर सीएम। I am under great pressure from center. I'll have to take the situation under my control. आज दूसरा दिन है। कल शाम तक अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। I'll have to take my own decision. आप समझ गए ना? जी। Okay. Have a good day. यस गवर्नर साहब का फोन था, कहते हैं कि कल शाम तक कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं बब्बन और पुलिस वाले भी अंधेरे में ही हाथ पांव मार रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। समझ में नहीं आता कि सरकार कैसे बचेगी। एक रास्ता है सर, आप पीछे कान से हाथ मिला लीजिए फिर देखिए सारा प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। एक बार सोचिए तो सही सर। गौर से का पढ़ रहे हो? पूरा देश के बाहुबली सबके बारे में बहुत मजेदार लेख छपा है, मुझे देख रहे हैं। उसमें अपना नाम बाद में खोजना, पहले हमारे साथ चलो। अरे आज तो आप एकदम तैयार है, कहाँ चलना है? तुमको आजकल सरकार गिराने के अलावा दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। क्या है? ये भी भूल गया दशहरा है। अरे दुर्गा माता का दर्शन करने चलना है। हमारा परिवार का पुराना परंपरा है, उसके पहले हर साल तुम्हारे पिताजी वहां जाते रहे, अब तुमको उसको निभाना है। चलिए। और एक खास बात, एक खास चीज देना है तुमको।
हमारे पिताजी का रिवॉल्वर है। अब इसके असली उत्तराधिकारी तो बाहुबली होता है वो करता है और तुम महाराजगंज के बाहुबली नहीं हो। चले पंडित जी आओ ना, पहले इसी बात का फैसला कर लेते हैं उनका बाहुबली कौन है। ताज माता को तुम्हारे बलि मिल गया। ए पुत्र, ये पूजा पाठ का जगह है, यहाँ खून खराबा करना ठीक नहीं है। हाँ तो हम भी नहीं चाहते हैं कि खून खराबा हो। यहाँ बरसों से ये बात का परंपरा रहा है कि अमरकांत जी यहाँ पहले पूजा करते आए। तो परंपरा तो खत्म हो गया ना। रुकिए रुकिए, आप लोग माता के सामने ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। कहिए पंडित जी। हम चाहते हैं पूजा शांति से संपन्न हो और आप दोनों के नाम का पर्ची माता के चरण कमल में रखते हैं। आगे जिनके नाम का पर्ची निकलेगा वो पूजा करेंगे, आगे माता की जो इच्छा। ठीक है मंजूर। हाँ ठीक है। अब बेटा आओ। इन दोनों में से एक पर्ची ले लो, उठाओ। आप लोग अपना मेला मनाइए। शारदा मंदिर का मंदिर।